दोस्तों, कोरोना वायरस का खौफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इस डर की वजह से दुनिया भर में मास्क की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। क्या रियली सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है या लोगों ने कुछ ज़्यादा ही हवा बना रखी है? हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लॉजिकल अनबॉक्सिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ रख कर अपने आप को सेफ रखा जा सकता है। आपने इस कोरोना वायरस की हिस्ट्री तो सुनी ही होगी। ये वायरस चाइना के वुहान से ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसे नाम दिया गया है नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, यानी कि जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। फ्रेंड्स, इस वायरस से पीड़ित लोगों में बेहद ही कॉमन सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जो कि सर्दी, खांसी और फीवर में होते हैं। इस वायरस पर काफ़ी स्टडीज चल रही है, लेकिन माना जाता है कि इससे मरने वाले ज़्यादातर लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त थे। यानी कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आइए जानते हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए रिलायबल सोर्स ही रिफ़र कीजिए। मेरे हिसाब से मोस्ट रिलायबल सोर्स है WHO की वेबसाइट, जिस पे सटीक अपडेट्स मिलते रहेंगे। सोशल मीडिया पे मिलने वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मास्क के लिए मारामारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क केवल उन लोगों को ही काम में लगेगा जिन्हें ऑलरेडी ये वायरस लग चुका है, या तो जिन्हें ऐसे ही कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल करके ऐसे लोग अपने परिवार और सोसाइटी में इसे फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस 400 से 500 माइक्रोन का है। ये हवा के थ्रू नहीं फैलेगा, ग्राउंड से ही फैलेगा। इन्फेक्टेड बंदा जब खांसता या छींकता है तब उसके मुंह से निकलने वाली बूंदें सामने रही चीज़ों पर चिपक जाती है, जिन बूंदों में ये वायरस होता है। अब जब कोई हेल्दी पर्सन इन चीज़ों को टच करेगा तब उसके हाथ पे ये वायरस चिपक जाएगा, और ये हाथ उसके मुंह, नाक या तो आँखों के कॉन्टेक्ट में आने से ये वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने का कोई रोल ही नहीं है। फिर भी अगर आप इससे पीड़ित लोगों की केयर कर रहे हैं या तो आपको उनके कॉन्टेक्ट में आना पड़ रहा है, तब मास्क पहनना उचित रहेगा। अगर आपको नॉर्मल खांसी या सर्दी है तब भी छींकते या खांसते वक्त हैंकी या टिश्यू पेपर से मुंह और नाक को कवर कीजिए। आप चाहे तो मुंह और नाक को कुछ इस तरह से हाथ से भी कवर कर सकते हैं। मास्क पहन के छींकने या खांसने से वायरस उसी मास्क में रह जाएगा और दूसरी चीज़ों पे नहीं चिपकेगा। जैसे मैंने आगे बताया, ये वायरस ग्राउंड पे ही ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपके शहर में ये वायरस के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं तब ऐसी चीज़ें जिन पे बार बार लोगों के हाथ टच करते हो, जैसे कि ट्रेन के लटकते हुक्स, आपके ऑफिस का डोर का हैंडल, ऑफिस का कार्ड पंचिंग मशीन, जैसे सभी चीज़ जहां पर बार बार लोगों के हाथों का कॉन्टेक्ट होता है, ऐसे में अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली सोप और पानी से या तो सैनिटाइज़र से 20 सेकंड के लिए अच्छे से क्लीन करें। यही इस वायरस से बचने का मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। ऐसे में जब घर पहुंचते हैं सबसे पहले अपने कपड़ों को साइड में रख दीजिए। दोस्तों, ये वायरस कपड़ों पर भी 9 घंटे तक जिंदा रहता है। इन कपड़ों को धोने के बाद आपको एटलीस्ट 2 घंटों तक धूप में रखना है, जिससे ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, फीवर, खांसी, सर्दी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हो, जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लीजिए। अगर आपको माइनर सिम्टम्स भी दिखते हैं तब भी मेडिकल हेल्प लीजिए और रिकवरी होने तक घर पर ही रेस्ट कीजिए। लोगों से मिलते वक्त हाथ मिलाना भी अवॉइड कीजिए।
ज़्यादातर हमारी हैबिट होती है, हम किसी से मिलने पर हैंडशेक ज़रूर करते हैं, इससे भी ये वायरस ट्रांसफ़र होता है। जब तक ये वायरस का कहर चल रहा है तब तक भीड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हम सब सेफ रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ये हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहने में हेल्प करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी नई वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी को भी ज़रूर दबाइए। हम ऐसी ही अनोखी लॉजिकल अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे। आगे मिलेंगे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।